छोटी काशी मंडी में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव धूमधाम, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया। इस देव समागम में 200 के करीब देवी देवता हिस्सा लेने यहां आए हैं। महोत्सव के शुभारंभ पर सीएम जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सबसे पहले उन्हें पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई, जिसके बाद उन्होंने राजमाधव राय मंदिर में जाकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इसके बाद राजमाधव राय की पालकी उठाई गई और भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। ये शोभा यात्रा राजमाधव मंदिर से शुरू होकर शहर की परिक्रमा करते हुए पड्डल मैदान में जाकर सम्पन्न हुई। शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए अधिकतर लोग पारंपरिक परिधानों में नजर आए। ढोल नगाड़ों की थाप और वाद्य यंत्रों की धुनों पर जहां देवव्रत झूम रहे थे, वहीं लोग भी खूब झूमते हुए नजर आए। लोगों में शिवरात्रि महोत्सव को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस बार महोत्सव को पूर्ण राजतभ्य के 50 स्वर्णिम वर्षों की थीम पर आयोजित किया जा रहा था। 50 वर्ष पहले हिमाचल कैसा था और अब कैसा है, इसकी झलक भी महोत्सव की शोभा यात्रा में देखने को मिली। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी को महोत्सव की बधाई है और सभी से इसे सावधानी पूर्वक मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने पूर्ण राजतभ्य के 50 स्वर्णिम वर्षों को मना रहा है। इस महोत्सव का आयोजन इस बार उसी थीम पर किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से महोत्सव को पूरा आनंद उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, सांसद रामस्वरूप शर्मा, जिला के अन्य विधायक, पदाधिकारी, अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।